अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान, आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की पहली क्विक अपडेट की बात करें तो मैंने चैनल के ऊपर टेक्नो स्पार्क 7 प्रो का जो फुल डिटेल के अंदर इन डेप्थ रिव्यू है उसको अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों को 20-22 हज़ार की रेंज के अंदर सबसे बेस्ट फ़ोन चाहिए जिसके अंदर अच्छी गेमिंग और अच्छा डिस्प्ले हो तो आप लोग उस वीडियो को लाजमी तौर पर चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों को जो लिंक है मैं नीचे प्रोवाइड कर दूँगा। बात करें आज की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की तो इन्फिनिक्स ने नोट 10 प्रो को पाकिस्तान के अंदर फाइनली इंट्रोड्यूस करवा दिया। वो आप लोगों ने अनबॉक्सिंग्स वगैरह देख ली होंगी, मुझे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम बात करते हैं प्राइस की तो 31,000 का प्राइस टैग रखा गया। अगर हम लोग प्राइस को और स्पेसिफिकेशंस को आपस में कंपेयर करते हैं तो काफ़ी एक अच्छी डील है। आप लोगों को G95 का प्रोसेसर मिल जाता है। चल मैं थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस बता ही देता हूँ। IPS LCD डिस्प्ले है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, 8GB की रैम के साथ, 128GB की इंटरनल स्टोरेज का वेरियंट है, 5000mAh की बैटरी, साथ में 33W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। अब मैं अगर अपनी बात करता हूँ, अपने ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ आप लोगों को, तो यार अगर तो आप लोगों को गेमिंग करनी है इस रेंज के अंदर, आपको सिर्फ गेमिंग ही करनी है तो आप लोग इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को एक नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन कोई बाय करना, आप लोगों को गेमिंग की इतनी खास टेंशन नहीं है, तो आप लोगों को मार्केट के अंदर और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं रेडमी नोट 10 की, उसके अंदर हमें AMOLED डिस्प्ले मिलता है, उसका प्रोसेसर भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। अब यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के रिलेटेड मुझे दो इश्यूज़ हैं जो कि मुझे लग रहे हैं कि आप लोगों को फेस करने को मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका डिस्प्ले का भाई जो साइज़ है वो 6.95 इंचज़ है, जो कि काफ़ी एक बड़ा साइज़ है। आप लोगों को इसको सिंगल हैंड के अंदर यूज़ करने के अंदर और इसके अलावा पॉकेट वगैरह के अंदर डालने के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इशूज़ देखने को मिल सकते हैं, तो ये चीज़ अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखिएगा। प्लस जो इन्फिनिक्स का UI है वो इतना को खास ज़्यादा स्टेबल नहीं है, उसके अंदर काफ़ी आपको एड्स देखने को मिलती हैं। तो अगर आप लोगों ने फैमिली वगैरह के लिए कोई फ़ोन बाय करना तो इन शॉर्ट आपको ये कहूँगा कि इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को आप बाय ना कीजिएगा, क्योंकि इसका जो UI है वो इतना को खास ज़्यादा स्टेबल भी नहीं है और जो एड्स उसके अंदर आ रही होती हैं वो मुझे लगता नहीं है कि आप देखना पसंद करोगे। उसके अलावा अगर आप लोगों ने गेमिंग करनी है, आप लोगों को कोई टेंशन वगैरह नहीं, तो आप लोग इस फ़ोन को बाय कर सकते हो। काफ़ी एक अच्छी डील है, मतलब कोई इशू नहीं है। स्पेसिफिकेशंस और जो प्राइस की रेशो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बात करें आज के अगली अपडेट की जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है, तो आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो फेक एयरपोर्ट्स हैं वो तो चल ही रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉपीज आती हैं और काफ़ी वो ज़्यादा सेल भी हो रही होती हैं। लेकिन अभी रिसेंटली अमेरिका के अंदर उनका जो US बॉर्डर पेट्रोल या फिर जो सिक्योरिटी है ना, कस्टम्स वाली, बॉर्डर प्रोटेक्शन वाली, उन लोगों ने फेक एयरपोर्ट्स को पकड़ा है और वो कुछ नहीं थे, मतलब उनकी जो तादाद थी वो बताई जा रही है कि 36,000 पेयर्स थे। उनके जो प्राइस है वो तकरीबन $7.6 मिलियन है, जो कि पाकिस्तान के अंदर 100 करोड़ से भी ऊपर बन रही है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि उन लोगों ने फेक एयरपोर्ट्स को क्यों पकड़ा, पाकिस्तान के अंदर भी वो चल रहे होते हैं तो भाई। लेकिन अमेरिका के अंदर जो रूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, क्योंकि वो एप्पल एक अमेरिकन कंपनी है, तो उन लोगों ने अपने जो कॉपीराइट्स हैं, जो उनके ट्रेडमार्क के कोड्स हैं, उन लोगों ने रजिस्टर करवाए होते हैं, तो वहाँ पर कोई भी कॉपी शॉपी तो चल नहीं सकती। तो अब देखते हैं कि जो फेक है उनका क्या बनता है, ये वापस चाइना के अंदर भेजते हैं या फिर वहाँ पर उनको डिस्पोज वगैरह कर देते हैं। लेकिन भाई अगर ये वाला रूल पाकिस्तान के अंदर भी इंप्लीमेंट होता या फिर पूरी दुनिया के अंदर और भी इंप्लीमेंट होता तो कोई भी कंपनी फिर एप्पल के एयरपोर्ट्स की कॉपी नहीं बना सकती थी। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि यहाँ पर वो रूल नहीं चलता, लेकिन हम लोग फिर सस्ते एयरपोर्ट्स लगा कर सस्ती चौकियाँ नहीं मार सकते थे। इसके बाद जो अगली अपडेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर शार्प पैकोस के नाम से स्मार्टफोन्स के बारे में लाजमी तौर पर सुना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट होकर आ रहे थे। कराची के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उनको बाय भी किया और काफ़ी वीडियोज़ भी मैं भी आप लोगों ने देखी, वो मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप लोगों को उन स्मार्टफोन्स को क्यों नहीं बाय करना चाहिए। अब ये वाली जो अपडेट आई उसी कंपनी के रिलेटेड है। उन लोगों का एक नया वेरिएंट आया, एक नया मॉडल है जिसका नाम है R6। इस स्मार्टफोन के रिलेटेड जो सबसे अमेजिंग चीज़ वो ये है कि ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर 1 इंच का जो कैमरा का सेंसर है यूज़ किया गया, जो कि 20 मेगापिक्सल का है। मतलब कि इस साइज़ का जो कैमरा का सेंसर है अभी तक किसी भी कंपनी ने यूज़ नहीं किया, ना तो वो सैमसंग है ना ही वो एप्पल है। वैसे 2021 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि जो हुआवे है वो इस सेंसर को यूज़ करे, लेकिन भाई इन लोगों ने यूज़ कर लिया। और प्लस इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो OLED डिस्प्ले है, 240Hz के टच सैम्पलिंग रेट के साथ, नहीं टच सैम्पलिंग रेट नहीं, जो 240Hz का रिफ्रेश रेट नॉर्मल होता है, मतलब कि हाई रिफ्रेश रेट जो होता है, जो कि अगेन एक काफ़ी क्रेजी चीज़ है। और जो स्पेसिफिकेशन दूसरी भी हैं वो भी काफ़ी कमाल की है। स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर है, 5000mAh की बैटरी है, लेकिन इसके अंदर फास्ट चार्जिंग के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जहाँ तक बात है प्राइस की तो प्राइस को भी अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया, तो हम लोग इसके बारे में इतना भी बात करेंगे नहीं, इसके ऊपर इतना टाइम ज़ाया करेंगे नहीं। लेकिन एक चीज़ काफ़ी अच्छी थी कि 1 इंच का इन लोगों ने जो सेंसर यूज़ किया है
बात करने के लिए अपडेट की जो क्या आ रही है, पोको एम थ्री प्रो कैंडिडेट, तो फाइनली उसकी जो लॉन्च डेट है उसको कंफर्म कर दिया गया 19th of May को उसका जो लॉन्च इवेंट है वो होने वाला है। प्लस पोको ने उसका जो डिज़ाइन है वो भी कंफर्म कर दिया हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने एक जो पिक्चर है वो एक पोस्टर है वो रिलीज किया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जो डिज़ाइन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेम वही डिज़ाइन है, काफ़ी कूल मुझे लग रहा है। देखते हैं कि रियल लाइफ के अंदर जब ये फ़ोन आएगा तो वहाँ पर हमें डिज़ाइन की जो लुक्स और फील्स हैं वो किस किस्म की आती हैं। बात करने के लिए बिल्ड की जो कि आ रही है स्नैपड्रैगन के रिलेटेड, तो स्नैपड्रैगन ने स्नैपड्रैगन 778 प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो कि बेसिकली एक 5G प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर के बारे में हम लोग इतनी खास ज़्यादा डिटेल के अंदर बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब कोई फ़ोन आएगा इस प्रोसेसर के साथ तो हम लोग तभी बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग दो चीज़ों की बात करते हैं तो ये वाला जो प्रोसेसर है 144Hz के डिस्प्ले के मैक्सिमम रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, और 192MP का जो मेन सेंसर है, एक सेंसर मतलब कि सिंगल सेंसर, उसको ये सपोर्ट करता है। सो लेट्स सी कि कौन सी स्मार्टफोन कंपनी इस प्रोसेसर को सबसे पहले यूज़ करती है। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड, तो जो सैमसंग की एफ सीरीज़ है वो अभी तक के लिए डेडिकेटली इंडिया के अंदर ही चल रही है, उसको ग्लोबल मार्केट के अंदर सैमसंग ने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, लेकिन फाइनली सैमसंग उसको इंडिया से निकाल कर ग्लोबल मार्केट के अंदर भी लेके जाने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जाएगी चाइना के अंदर। एक पोस्टर अभी रिसेंटली सामने आया जो कि चाइनीज़ मार्केट के लिए, जिसके अंदर सैमसंग गैलेक्सी F52 का जो 5G वेरिएंट है उसको टीज किया गया, मतलब कि इस फोन को सैमसंग पहले आउट ऑफ इंडिया एफ सीरीज के अंदर चाइना के अंदर लेके आएगा। और इस यार लाइट चली गई थी और मुझे नींद आने लग पड़ी उतनी देर के अंदर। खैर हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर सैमसंग की एफ़ सीरीज़ की, तो चाइना के अंदर वो आ रही है, तो लेट्स सी सैमसंग उसको कहाँ कहाँ पर लेके जाता है ग्लोबल मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आती है या फिर नहीं आती। मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि आ रही है रियलमी के रिलेटेड, रियलमी ने नार्ज़ो 30 को मलेशिया के अंदर लॉन्च कर दिया। आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर के नार्ज़ो 30 कब आ रहा है, क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी वो काफ़ी हद तक मिल रही हैं मार्केट के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स के साथ, तो आप लोग वेट कर लो। मलेशिया के अंदर क्योंकि लॉन्च कर दिया गया तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत जल्द आ सकता है। बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले डिज़ाइन की, तो बैक साइड के ऊपर आप लोगों को वर्टिकल कैमरा का मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर से एक स्ट्रिप निकल रही है एरोज़ के साथ काफ़ी एग्रेसिवली, जो कि एरोज़ इंडिकेट करें आप लोगों को नार्ज़ो को। नीचे वाले साइड के ऊपर नार्ज़ो की ब्रांडिंग है। फ्रंट के ऊपर आप लोगों को पंच होल देखने को मिल जाएगा। 6.5 inches का LCD डिस्प्ले है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। मीडिया टेक का हेलियो G95 का प्रोसेसर है, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के अंदर भी सेम वही प्रोसेसर है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैमराज की, तो 48MP का मेन सेंसर है बैक साइड के ऊपर, फ्रंट के ऊपर 16MP का सेल्फी कैमरा है। 5000mAh की बैटरी के साथ 33W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। प्राइस की मैंने जो कन्वर्जन किया है पाकिस्तान के अंदर 29,000 समथिंग बन रही है, मतलब कि आप लोग अगर वेट कर सकते हो तो अराउंड 30,000 आप लोगों को प्राइस देखने को मिल सकती है। मे बी जो रियलमी है नार्ज़ो 30 को लेके काफ़ी एग्रेसिव आ जाए, क्योंकि जो 30A आया था वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा एग्रेसिव आया था। तो देखते हैं कि नार्ज़ो 30 कब आता है पाकिस्तान के अंदर और रियलमी कितना ज़्यादा एग्रेसिवली आता है स्मार्टफोन को लेके। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी, वीडियो ख़त्म करते हैं। जाने से पहले आप लोग जो टेक न्यूज़ पाक 7 प्रो का रिव्यू लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा, और आप लोगों का क्या ख्याल है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के रिलेटेड लाजमी तौर पर नीचे बताइएगा। अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।